पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट मैथमेटिक्स का पेपर स्टैंडर्ड 3 आई एम सॉल्विंग योर। यहाँ पे सॉल्व करके पूरा पेपर रखा गया है, आपको जस्ट उसको कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा आंसर फ्रॉम बिहाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा फ्रॉम फ्रंट, 3 का आंसर है फ्रॉम फ्रंट डी, क्वेश्चन 4 का आंसर है फ्रॉम टॉप दैट इज ऑप्शन डी, और 5th में है फ्रॉम साइड। ओके, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा दिया गया है जिसमें आपको ये जो नंबर्स है उसको एज इट इज़ मतलब वो ये जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें ग्रिड में आपको सेटल करना है इनको। तो आई हैव सेटल्ड इट लाइक दिस, मैंने पेन से किया था दैट्स वाई आई कुड नॉट रब द थिंग्स। तो आप जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन्स ड्रॉ करी है उसको मत करिएगा, ऐसे ही आपको इसको कॉपी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दैट लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम। तो आपको पैटर्न्स को जो देखना है उसको कंप्लीट करना है। इसमें देखिए पहले वाले में 491 एंड 501, दूसरे वाले में 600 एंड 590, 130, 136, देन 909 एंड 919, 961 एंड 358। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऐसा एक टेबल दिया गया है और उसके ऊपर से कुछ आपको आंसर्स देने हैं। विच प्लेयर हैज स्कोर्ड 117 रन्स इन विच मैच, दैट इज राहुल हैज स्कोर्ड इन फर्स्ट मैच, आपको ऐसे करके आंसर देना है। विच प्लेयर हैज स्कोर्ड द हाइएस्ट रन इन विच मैच, दैट इज रोहित फर्स्ट मैच में, थर्ड का आंसर है राहुल सेकेंड मैच में, और फोर्थ का आंसर है 162 माइनस 156 इक्वल टू 6। देन आता है ये टेबल मैच ए विथ बी, इसमें मैंने डायरेक्टली आपको आंसर लग के दे दिया है तो आप इसको आराम से कॉपी कर सकते हैं। 589 इक्वल टू 589, 579 एंड 859, 869 एंड 529 आर द राइट ऑप्शंस। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।